सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ध्वजा प्रणाम, एक दो तीन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितो हम। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांग भूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम्। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिम्। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्। स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्।
परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया धेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मास्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषाते भृशम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। एक दो तीन आरंभ। सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। संघ दक्ष स्कंध एक दो तीन चार संघ प्रद्युत प्रचलन केंद्रतः प्राचल Thank you.
शर्मा आवे सत होजे नंग शर्मा आवे सत आठ से मां लगाएंगे शर्मा आवे करो वाहिनी प्राचल इसके बाद दंड युद्ध के कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। सब सम्यक बातचीत नहीं करेंगे बीच में। एक पदांतेन स्थल दंड विभाग शा एक दो तीन चार नियुक्त सिद्ध मुष्टि प्रहार सूर्य चक्र विभाग शा एक दो तीन चार नासिका प्रहार विभाग शा एक दो तीन चार जठर प्रहार विभाग शा एक दो तीन चार स्वस्थ छेद सहन पार्श्व विभाग शा एक दो तीन चार उर्दु छेद एक दो तीन चार अदो छे एक दो तीन चार प्रयोग सिद्ध मुष्टि प्रहार प्रक्रम प्रकार एक विभाग शा एक दो तीन चार पांच छे अपक्रम विभाग शा एक दो तीन चार पांच छे स्वस्थ सदन उत्क्षेप पक्रम प्रकार एक विभाग शा एक दो
चार पांच छह अपक्रम विभाग शाह एक दो तीन चार पांच छह स्वस्थ सदन मुष्टि प्रहार चतुष्क विभाग शाह एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन स्वस्थ सदन उत्क्षेप चतुष्क विभाग शाह एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन निरुद्ध सिद्ध मुष्टि प्रहार सूर्य चक्र नासिका जठर दिशा बदल कर्मशः एक दो तीन चार संग अक्ष एक पद दक्षिण स्थल भुज दंड एक दो तीन चार एक पद दक्षिण सर अर्ध वृत प्राचल ये दंडयुद्ध प्राचल करिए दंडयुद्ध बिना बातचीत किए जाना है सम्यक दंडयुद्ध सिद्ध एक दो तीन स्वस्थ सदन प्रसर द्विवारं कुरु एक दो प्रतिसर द्विवारं कुरु एक दो स्वस्थ सदन एक पद प्रास एक वारं कुरु एक दो तीन एक पद प्रास एक वारं कुरु एक दो तीन एक पद प्रति एक वारं कुरु एक दो तीन एक पद प्रति एक वारं कुरु एक दो तीन स्वस्थ सदन प्रहार प्रपक्रम शिरोघात पक्रम पूरा काम एक वारं कुरु एक दो एक वारं कुरु एक दो एक वारं कुरु एक दो प्रहार पक्रम एक वारं कुरु एक दो एक वारं कुरु एक दो एक वारं कुरु एक दो स्वस्थ सदन प्रसर श्रोघा पुरकाम विभागशः एक एक दो विभागशः दो एक दो प्रतिसर श्रोघा पूरकाम विभागशः एक एक दो दो एक दो घोष तीन एक दो चार एक दो स्वस्थ सदन प्रसर शिरोघात प्रतिसर पूरकाम क
क्रमशः एक एक दो दो तीन चार स्वस्थ साधन सुरघात स्त्रीलिंग के साथ क्रमशः एक दो तीन चार भुज दंड एक दो तीन एक पद दक्षिण सदन अर्ध वृत प्राचल पदविन्यास प्राचल करिए। पदविन्यास के पीछे सामूहिक समता, समता के पीछे तुरंत घोष तैयार है। ये अपना वाला पीछे ले लो। घोष वाहिनी तुरंत समता वाहिनी के पीछे संपत करे। यहाँ से आता है उसमें स्तव समित संघो अच्छा एक पदार्थ स्तर विभाग एक दो तीन चार एक पद ओम सर पद विन्यास सिद्ध स्वस्थ सर प्रसाद एक बार गुरु प्रतिशत एक बार गुरु समूह द्विवार गुरु एक पद प्रति एक बार गुरु स्वस्थ सर तूर्य उठता तूर्य उठता तूर्य उठता तूर्य उठता अर्ध उठता अर्ध उठता संघ अच्छा एक पद दक्षिण सर भुज दंड एक पद दक्षिण सर अर्ध वृत्त प्रचल सामूहिक समता प्रचल दीजिए। घोष का वादन हुआ घोष के साथ आइए। आगे पीछे वार्ता नहीं घोष घोष का वादन होगा। अभी नहीं मनोज जी आगे आगे यहाँ से आगे पीछे पूछिए। घोष सिद्ध सामूहिक समता प्रयोग करो एक दो तीन चार एक एक दो एक दो तीन चार प्रयोग
एक दो प्रयोग तीन करो। इधर की चार पंक्ति प्राचार्य जी संचालन करते हुए आइए। घोष बसंत जी We'll be right back.
संघ दक्ष घोष आम संघ दक्ष दंडयोग स्तुति एक दो योगे करो आसन समय स्थिति ताड़ासन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह वीरभद्रासन प्रकार दो एक दो
थ्री चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह अर्धकटी चक्रासन एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह उत्कट आसन एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह आक्रमण स्वस्थ सावधान दक्ष सम्यक सम्यक करिए जिन पर कहीं ना कहीं हो सावधान उपविश दृष्टि योग सावधान दृष्टि योग क्रमांक एक दृष्टियों क्रमांक दो गुरु एक बार दंड पास में रख लेंगे जरा सीधा करके रखेंगे परिचय मंचासीन अधिकारी से पूर्व एक परिचय श्रीमान परीक्षित जी आप नागपुर के निवासी हैं
बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक, बाद में प्रचारक बने और आप जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक रहते हुए अप्रैल 2019 से माननीय पूजनीय सर संचालक जी के निजी सहायक हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। माननीय मंचा सिंह, माननीय मनवीर सिंह जी, आप बुलंदशहर जिले के जावल गांव के निवासी हैं। अपनी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के पश्चात अध्यापन कार्य में आप गए और वहां से एक इंटरमीडिएट कॉलेज से प्रधानाचार्य पद को सुशोभित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद संघ के स्वयंसेवक रहे। आप विभाग संघ चालक, सह प्रांत कारवा, मेरठ प्रांत कारवा और उसके बाद 2009 से 2018 तक आप अपना जो पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र है जिसमें तीन प्रांत आते हैं, उत्तराखंड, मेरठ और ब्रज प्रांत, उस क्षेत्र के आप क्षेत्र कारवा रहे और वर्तमान में आप मेरठ प्रांत के माननीय संघ चालक हैं। आज जिनका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होने वाला है, परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत, आप महाराष्ट्र प्रांत के अंदर चंद्रपुर नामक स्थान पर आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के पश्चात आपने पशु चिकित्सा में शिक्षण प्राप्त किया और उसके पश्चात एक वर्ष तक आप सरकारी नौकरी में रहे। आपके पूजनीय पिताजी भी प्रचारक रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से आप प्रचारक 1974 में प्रचारक बने। संघ के भिन्न भिन्न दायित्वों को आपने निर्वहन किया और सन 2000 में आप सरकारवा के नाते पूरे देश में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उसके पश्चात सन 2009 में परम पूजनीय सरसंघ चालक के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन करूंगा कि एकल गीत के पश्चात हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आज यही युग धर्म हमारा, आज यही युग धर्म हमारा, देव दुर्लभा भरत भूमि का, पितृ भूमि का, पुण्य भूमि का, और पूर्वजों द्वारा निर्मित पावन मंदिर मातृभूमि का, आज उपेक्षित खंडहर सा है सकल प्रेरणा श्रद्धा को कर, इसको फिर से करे सुसज्जित पूजित त्याग तपस्या द्वारा, आज यही युग धर्म हमारा, जिसके कण कण में अंकित है राम कृष्ण विक्रम यश गाथा, विश्व विजेता ज्ञानी मुनि जन श्रद्धा से झुकता है माथा, वंशज इनके कहला कर क्या इसको यूं ही मिटने दें,
चमकाएंगे फिर इसको सारे जग से न्यारा। आज यही युग धर्म हमारा, जिस माता के स्नेह प्रेम से पोषित है हम सबके ये तन, करती आज करुण आक्रंदन धिक हम सबका पौरुष यौवन। वह जीवन भी क्या जीवन है जो माता के काम न आए। उठो मिटा दे दुख माता के, होवे जीवन सुफल हमारा। आज यही युग धर्म हमारा, आज यही युग धर्म हमारा। माननीय प्रांत संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मंडल के कार्यकर्ता और तदुर्ध्व सभी कार्यकर्ताओं का अपना एक शिविर अब समाप्त तो हो रहा है। वास्तव में पूरा समय जो शिविर में रहते हैं उनमें से किसी ने उसका समापन करना चाहिए, लेकिन मैं आसपास में था और इसलिए ने कार्यकर्ताओं ने सोचा होगा कि एक बार मेरा सबसे मिलना हो जाए, कम से कम देखना हो जाए। लेकिन मेरे आने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त बनाना पड़ता है, तो ये निमित्त उन्होंने बनाया, इसलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। अपने शारीरिक कार्यक्रम किए तो ध्यान में एक बात आती है कि आपके व्यायाम योग सांघिकता की दृष्टि से अच्छे हुए। बाकी जो कार्यक्रम आपने किए, दंड युद्ध किया, दंड किया, नियुद्ध किया, पदविन्यास किया, उसमें जो जिसमें आपको केवल स्वयं को चलाना था, पदविन्यास, पदविन्यास में कोई साधन नहीं, हमको ही पैर उठाना है, हमको ही कूदना है, ऐसे ही नियुद्ध अपने ही हाथ पैर चलाना है, उसको आपने ठीक से कर लिया लेकिन सांघिक नहीं किया। और जिसमें हाथ में एक दंड पकड़ के कुछ करना था, यानी दंड को भी चलाना था, उसमें बहुत अभ्यास की जरूरी है, ये ध्यान में आया। यानी किसी किसी का तो दंड वो चला रहा था कि दंड उसको चला रहा था, ये प्रश्न पड़े, ऐसा काम हो रहा था। और फिर आपने जो संचलन किया, प्रदक्षिणा संचलन किया, प्रत्युत प्रचलन किया, उसमें यह ध्यान में आया कि कदम से कदम मिलाना और सबके कदम घोष के ताल पर पड़ना, ये जितना अच्छा चाहिए उतना बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। फिर और एक बात आज ध्यान में आई
कि बीच बीच में यह सूचना दी गई कि बातचीत मत करो, बातचीत मत करो, तो आप जो करके दिखा रहे थे वो सब मेरे कागज पे लिखा है, उस पर मैंने देखा, लेकिन बातचीत मत करो ये कार्यक्रम उसमें लिखा नहीं है, बाकी सब लिखा है। तो मेरे ध्यान में आया कि आपके प्रदर्शन में कुछ ऐसा है जो लिखा हुआ है, जिसकी आज्ञा मिलती है वो करना है, और कुछ ऐसा है जिसके आज्ञा नहीं मिलेगी, आपको ही अपने समझदारी को जागृत रख के उसको करना है। जैसे आगे आते समय, पीछे आते समय, पीछे जाते समय कोई प्रदर्शन नहीं है, आगे आकर खड़े रहने के बाद प्रदर्शन होता है, और प्रदर्शन समाप्त तो होने के बाद हम पीछे जाते हैं, लेकिन अब उसमें भी कदम मिलने चाहिए, आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए, इसकी आज्ञा नहीं मिलेगी। अब इतनी ज्यादा हो गई कि उनको कहना पड़ा 2-3 बार, लेकिन यह कार्यक्रम ऐसा है कि इसकी आज्ञा नहीं मिलती, वो हमको ही अपने समझदारी से ठीक रखना पड़ता है, क्योंकि अपना शरीर है, अपना मन है, और वो चंचल है, सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, उसको अगर ठीक से समझदारी में, विवेक में बांध के नहीं रखा, तो जब तक सामने करने को काम है तब तक तो अच्छा रहता है, और जब वो काम नहीं रहता कुछ, तब वो फिर अपने रंग दिखाता है। एक लड़का पागल हो गया, उसको पागलों के अस्पताल में ले गए, तो डॉक्टर ने बहुत पूछताछ की उसकी दिनचर्या क्या है, माँ बाप से भी पूछताछ की, उसको भी पूछे 2-4 प्रश्न, फिर उसने कहा कि देखो बेटा, करने को दुनिया में बहुत है, वो पागल था, वो क्या करता था, रास्ते पर घूमते हुए पत्थर उठा लेता था और जहां कांच का कोई सामान दिखे तोड़ देता था। तो डॉक्टर कह रहा था उसको कि ये काम करने लायक नहीं, करने लायक बहुत काम है, अब तुम बाहर जाते हो, बाजार में जाते हो, देखो बाजार, और तुम्हारे पास पैसे तो कुछ खरीदना है तो खरीद लो, बाजार की सारी रंग बिरंगी शोभा देखकर घर में वापस आओ। उसने कहा ठीक है, ऐसे ही करूंगा, लेकिन नहीं किया, इसलिए डॉक्टर ने उसको अस्पताल में लाया, शॉक वगैरह दिए, और फिर पूछा कि तुम ठीक हो गए क्या, उसने कहा बिल्कुल ठीक हो गया, तो अब बताओ कि अगर मैं यहां से तुमको छोड़ दू और तुम बाजार में जाओगे तो क्या करेंगे। अब उसको पता था कि उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर से शॉक मिलेगी इलेक्ट्रिक की, इसलिए उसने कहा कि बाहर जाऊंगा तो बाजार घूमने जाऊंगा तो क्या करोगे, तो बोले बाजार की शोभा देखेंगे, और क्या करोगे, तो बोले पैसे जितने हैं उतना सामान खरीदूंगा, फिर क्या करोगे, आगे का कुछ बताया नहीं था, कागज पर लिखा नहीं था यहां पे, तो उसने कहा फिर उसके बाद एक पत्थर उठाऊंगा और जितने कांच है दुकान के सब तोड़ दूंगा। ये अपना मन ऐसे ही कर रहा है, उसको हमने बताया है, अभी आप रचना में आए तब नहीं बोल रहे थे, पीछे से आए ना तब उत्तिष्ठ उपविषय में मुझे लगा और ज्यादा बातचीत होगी, लेकिन नहीं हुई, तो मेरे ध्यान में आया कि आपको करने का काम मिला है तो आपका शरीर मन आपके नियंत्रण में रहता है, लेकिन आपको वैसे ही छोड़ दिया समाज में बिना कुछ बताए, तो अपनी समझदारी, अपना विवेक और शाखा की अपनी आदत ऐसी चाहिए कि न करने वाला कोई काम हमसे नहीं होना चाहिए, संघ का अपना काम यही है, हम शाखा पर लोगों को लाते हैं और उनको एक आदत में तैयार करते हैं, कार्यक्रम अपने आदत के लिए होते हैं, अनुशासन की आदत होती है, मिलजुल कर काम करने की आदत होती है, एक दूसरे का ध्यान रखकर चलने की आदत होती है, बहुत सी अच्छी बातें इन कार्यक्रमों के उत्कृष्ट करने से हम सीखते हैं, ढील ढाल की ये तो नहीं होता, जो काम उत्कृष्ट करेंगे उसका शरीर पर भी परिणाम होता है, मन पर भी परिणाम होता है,
करने वाले पर भी होता है, देखने वाले पर भी होता है, लेकिन यह केवल कार्यक्रमों तक की सीमित बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम करने वाले दुनिया में कोई लोग कम थोड़ी है, बहुत जगह ऐसे कार्यक्रम होते हैं आजकल, तो पहले होते नहीं थे समाज में, तब अपने कार्यक्रमों का विशेष था, लेकिन आजकल ये शारीरिक कार्यक्रम बहुत प्रसंगों पर स्कूल कॉलेज में भी होते हैं, मिलिट्री पुलिस तो करते ही रही है, तो उसमें विशेषता नहीं है। विशेषता ये बात है कि हम स्वयंसेवकों से जो कार्यक्रम कराते उससे उनका जीवन बनता है, वो शाखा के अंदर कार्यक्रमों के अंदर अनुशासन पालन करता है तो घर में भी और समाज में भी अनुशासित रहता है। शाखा में वो भारत माता की जय कहता है तो उसके पूरे जीवन में लोगों को भारत माता की जय करवाने के लिए चल रहा प्रयास दिखता है। वो यहां पर अगर हिंदू सारा एक ऐसा गीत गाता है तो बाहर भी उसका व्यवहार लोगों को दिखता है कि ये हिंदू सारा एक मानकर चलने वाला व्यक्ति है, ये कोई भेद नहीं मानता। शाखा में वो अपने घर का खाकर, अपनी दमड़ी खर्चाकर, अपना समय देकर काम करते दिखता है तो समाज के काम में भी वो वैसे ही काम कर रहा है, इसको लोग देखते हैं। तो ये एक अटक हमको पार करनी पड़ती है। शाखा में आकर हम कार्यक्रम करते हैं उनको उत्कृष्ट तो करना ही है, उसी से आदत लगेगी, लेकिन उन कार्यक्रमों से मिलने वाला संस्कार शाखा तक सीमित नहीं रखना है, उसको अपने परिवार के वातावरण में लाना है, अपने व्यक्तिगत 24 घंटे के आचरण में लाना है, अपने आजीविका के कार्य में भी वैसे ही बरतना है और समाज में घुल मिलकर ऐसा बरतते हुए समाज में भी इस आचरण का वातावरण हमको बनाना है। संघ का काम शाखा में व्यक्ति निर्माण होता है, लेकिन एक व्यक्ति को निर्माण करने के लिए संघ नहीं चला ना, संघ तो पूरे समाज को ऐसा बनाएगा, लेकिन पूरा समाज बहुत है। मेरठ का पूरा समाज अगर किसी कार्यक्रम में आ गया तो जगह नहीं है मेरठ में, इतनी बड़ी कार्यक्रम करने लायक। तो पूरा समाज अपने शाखा पर आना यह व्यवहार्य नहीं है, संभव भी कम है, परंतु यह हो सकता है कि गांव गांव में, बस्ती बस्ती में हमारी शाखा है, वहां के स्वयंसेवक शाखा में अच्छी आदतों वाला आचरण सीखते हैं, विचार लेते हैं, स्पष्ट दृष्टि धारण करते हैं और समाज में चलते हैं तो समाज में भी उसी दृष्टि का, उसी विचार का, उसी संस्कार का आचरण करने का वातावरण उत्पन्न होता है और उसमें समाज का आचरण बदल जाता है। अब ये अगर हमको करना है तो पहली बात शाखाओं पर इन कार्यक्रमों के उत्कृष्ट करने की साधना चलनी पड़ेगी। अब ये साधना हो रही कि नहीं ये देखने वाले हम ही लोग हैं, तो हमारा गणेश शिक्षक, हमारा मुख्य शिक्षक उत्तम कार्यक्रम ले सके इसलिए हमको स्वयं को भी उत्तम कार्यक्रम करना सीखना पड़ेगा। कभी भी खड़ा किया जाए, कुछ एक न्यूनतम शारीरिक कार्यक्रम, न्यूनतम बौद्धिक कार्यक्रम हम सब लोग कभी भी कर सकते हैं। संघ के प्रारंभ के दिनों में एक शाखा चलती थी, मोहित शाखा, और संघ बहुत छोटा था तो डॉक्टर साहब समाज के बड़े बड़े व्यक्तियों को लेके आते थे संघ दिखाने के लिए शाखा पर। आजकल हम संघ शिक्षा वर्गों में लेके आते हैं, शाखा पर भी बुलाते हैं लोगों को, उस समय भी बड़े बड़े व्यक्तियों को शाखा पर लेके आते थे और उस शाखा पर एक कुशल पथक था। अपने संघ के सारे जो प्रारंभिक कार्यकर्ता है, बाला साहब देवरस है, यादवराव जी जोशी है, एकनाथ जी रानड़े है, भावराव जी देवरस है, ये सब लोग उस कुश पथक के स्वयंसेवक थे। एक गणा था 30-40 स्वयंसेवकों का और वो गणा ऐसा था कि उनको एक मिनट की सूचना दे कि अब आपको शारीरिक प्रात्यक्षिक करना है तो
तो संघ में सिखाए जाने वाले सभी विषयों का शारीरिक प्रात्यक्षिक उत्कृष्ट करके दिखा सकते थे, इतनी उनकी तैयारी रहती थी। ऐसी तैयारी अपने प्रत्येक शाखा की होनी चाहिए, उसके लिए हम सब लोगों को इन कार्यक्रमों को करना, इन कार्यक्रमों को सिखाना, इन दोनों बातों में प्रवीण होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि ये केवल शाखा तक सीमित न रहे, ये अनुशासन, ये आदत, ये कार्यक्रमों की उत्कृष्टता, क्योंकि इसको समाज में ले जाना है। और इसलिए शिविर में हमने विचार किया, क्योंकि समाज में ले जाना यानी समाज में जाकर सबको लाइन में खड़ा करके कार्यक्रम लेना नहीं है। समाज में हम जो भी करेंगे उसमें इन कार्यक्रमों की लगने वाली जो आदत है उससे होना चाहिए सबका। अनुशासन है, प्रामाणिकता है, समाज के प्रति संपूर्ण भेद रहित आत्मीय भावना है। हमारा वहां करना भी ऐसा होना चाहिए, और इससे आकर्षित होकर अगर कोई हमको ज्यादा देखने लगा, अपना व्यक्तिगत आचरण, अपने घर का वातावरण, अपना सामाजिक आचरण, अपने आजीविका के काम में, पढ़ने के काम में अपनी भूमिका कैसी है, ऐसी परीक्षा अगर उन्होंने की, तो उसमें 100% उसको यही मिलना चाहिए जो संघ में हमने सीखा, वो हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, वो स्वभाव बन जाना चाहिए। एक बार इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाले एक कार्यकर्ता नागपुर में आए, और पास में एक घर में जाना था, उनको रास्ता पता नहीं था, तो मैं उनके साथ हो लिया, पास में ही था, पैदल चले गए हम लोग। तो वहां गए, जिनसे मिलना था उनसे बात वगैरह हो गई, फिर वापिस निकले। घर के बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मोहन राव आप थोड़ा धीरे चलो। बोलो क्या हुआ, मैं दौड़ा तो नहीं? तो बोले नहीं, आप शारीरिक के आदमी हो, आप रास्ते से चलते हो तो भी आपकी 120 की गति और 75 सेंटीमीटर का कदम रहता है, मेरे लिए मुश्किल होती है। तो मैंने गति कमी वगैरह की, लेकिन अब कैसा है, शारीरिक का आदमी है, कहीं भी चलेगा, 120 का कदम और 120 की गति और 75 सेंटीमीटर का कदम। ये इतने वर्ष संघ की शाखा में काम करने से जैसे स्वभावगत हो जाता है, वैसे अपना होना चाहिए। ये सारे जो कार्यक्रम है वो स्वभावगत होने चाहिए, हमारा स्वभाव इनके संस्कारों से बनना चाहिए, और वह स्वभाव हम समाज में जाएंगे तो हमारा स्वभाव उनको लगना चाहिए, उनका स्वभाव हमने नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, उत्साह तो रहता ही है सब में, तो आप लोग कभी मिलते हो, ट्रेन से जा रहे हैं, स्टेशन पर आ गए 25-30 मिनट मिलने के लिए, तो आते हैं, फिर थोड़ी गपशप होती है, फिर ट्रेन खुलती है, तो मैं चल जाता हूं, दरवाजे में खड़ा रहता हूं। तो स्वयंसेवक कभी कभी गलती से नारा दे देते, भारत माता की जय ऐसा कहते हैं, अब संघ में तो नारे नहीं है, ये समाज की आदत है, चाहे जहां नारे देना ये अपनी आदत नहीं, ये समाज में है। अब समाज की आदत हमको लगनी चाहिए कि हमारी आदत समाज में जानी चाहिए? हमारी आदत समाज में जानी चाहिए। यह ध्यान में रखकर समाज से घुलना मिलना, अब विद्यार्थियों की शाखाएं हैं, वो समाज से घुलेगी मिलेगी कहते हैं, समाज में तो सब बड़े लोग रहते हैं, इनको तो बच्चा ही माना जाता है, संघ में वो भले ही हमारे कार्यकर्ता है लेकिन समाज के दृष्टि से तो बच्चे ही हैं। तो कोई बात नहीं, कई कार्यक्रम होते रहते हैं समाज में, मंदिर के कार्यक्रम होते हैं, कोई नागरिक मंडल रहता है उसके कार्यक्रम होते हैं, भंडारे होते रहते, कुछ ना कुछ होते रहता है, छोटे मोटे काम भी रहते हैं कि करने वालों की संख्या और करने वालों की शक्ति आवश्यक लगती है, बड़े बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते। अब ऐसे छोटे मोटे काम जो बिना खर्चे में हम लोग अपनी संख्या के और गुणवत्ता के आधार पर कर सकते हैं, ऐसा करना, ऐसा करते हैं तो समाज के जीवन में हमारा घुलना मुलना अपने आप हो जाता है,
हमको लोग देखते हैं कि पहले तो ये समाज के काम में मदद करने के लिए बिना बुलाए आए हैं, फिर वो काम करते हुए देखते हैं कि ये काम बहुत अच्छा करते हैं, समय पर करते हैं, प्रामाणिकता से करते हैं, स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, तो उनके मन में संघ के प्रति एक अच्छा भाव तो तैयार ही होता है। लेकिन जब हम लोग हैं किसी काम में, तो उसमें आने वाला व्यक्ति ये सोचकर आता है कि देखो भाई, यहां सब काम ठीक करना पड़ेगा, समय पर करना पड़ेगा, करने पड़ेगा, प्रामाणिकता से करना पड़ेगा और निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा, वो भी वैसे करने लगता है। इसको हम कहते हैं उपक्रम। ये कोई नियमित कार्यक्रम होगा ऐसा नहीं है, एकाध काम एकाध बार ही करना पड़ेगा, एकाध काम प्रतिवर्ष करने का होगा, उसका कोई नियम नहीं। ऐसे उपक्रम और ऐसे उपक्रम हमारे अपने शाखा के लिए भी की जा सकते हैं। अपनी शाखा लोगों में परिचित हो तो भाई होली के लिए रंग खेलने के लिए निकलने वाली टोलियां तो रहती है, हमारी टोली निकलेगी लेकिन उसमें भद्दे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। हम राष्ट्रभक्ति के गीत गाकर सबको मर्यादा में गुलाल वगैरह लगाकर अपने में शामिल कर लेंगे, आनंद करेंगे, विसर्जन के में थोड़ा सा जलपान होगा और एक कोई अच्छा विचार लेके वहां से हमारी छुट्टी होगी। ऐसा नए ढंग से अपनी शाखा का कार्यक्रम समाज के सामने रखेंगे, धीरे धीरे समाज की भी आदत बनेगी और हमारी शाखा भी परिचित हो जाएगी। अपने शाखा के स्वयंसेवकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी उपक्रम हो सकता है। पहले ऐसा होता था, सबको साइकिल चलानी पड़ती थी, ये मोटर वाहन स्कूटर वगैरह नहीं थे किसी के पास, तो साइकिल होना बड़ा प्रतिष्ठा का माना जाता था। साइकिल बहुत लोगों के पास होती थी, आवश्यक भी रहती थी, तो साइकिल चलाना सीखना पड़ता था। और शाखाएं कहती थी कि अभी दीपावली की छुट्टी है 15 दिन, दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है, तो हमारी शाखा के जिन स्वयंसेवकों को साइकिल चलाना नहीं आता उनको हम साइकिल सिखाएंगे, हमारा उपक्रम। हमारे शाखा के तरुणों का साहस बढ़ाने के लिए हम लोग साइकिल पर 200 मील दूरी तक की यात्रा करके आएंगे, अपने पद्धति से। साइकिल पर से जाते थे स्वयंसेवकों के यहाँ, उनके व्यवस्था में रुकना होता था, भोजन होता था, अच्छे कार्यक्रम होते थे, सुविचार मिलते थे, साहस भी होता था। वन संचार के कार्यक्रम, गिरियारोहण के कार्यक्रम ऐसे बहुत होते थे। उसके पीछे उद्देश्य क्या था, एक तो सब स्वयंसेवक साथ रहे तो प्रेम बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है, सब एक दूसरे को समझ में आते हैं, और दूसरा ऐसे कार्यक्रमों में से साहस का, परिश्रम का, मिलकर काम करने का संस्कार होता है। हमारी शाखा के स्वयंसेवकों को तैरना सिखाने का उपक्रम, ऐसा उपक्रम करते थे। उपक्रम ऐसे भी होते हैं और तरह तरह के कार्य विभागों का, विशेषकर जागरण श्रेणी के कार्य विभागों का काम, ये भी उपक्रम का विषय कभी कभी बन सकता है। अब इतना सारा अपना साहित्य है, पहले बिल्कुल नहीं था, आज कितने विषयों की पुस्तकें अपनी बनती है, और अगर वो पुस्तकें जनता को मिलेगी तो उनको चाहिए उन विषयों की जानकारी, तो क्या हम झोला पुस्तकालय चला सकते हैं? समाज के लिए भी चला सकते हैं, स्वयंसेवकों के लिए भी चला सकते हैं। क्या हम हर महीने साहित्य बिक्री का उपक्रम कर सकते हैं? हम कर ही सकते हैं। प्रचार संपर्क विभाग, प्रचार विभाग ने तो कार्यक्रम दिया है साल में एक बार करने का, लेकिन साल में एक बार तक ही वो रहे आवश्यक नहीं है। ऐसे उपक्रम सोचकर करने से विद्यार्थी शाखाएं समाज के साथ जुड़ सकती है, समाज को संघ से जोड़ने की प्रेरणा उनसे मिलती है और समाज में आचरण का वातावरण मिलता है। और हमारी कमाने वालों की जो शाखाएं हैं उनको तो अधिक घुलना मिलना चाहिए। थोड़ा ऐसे उपक्रम कार्यक्रम करते हुए एक कदम आगे जाना चाहिए। तरुण आयु के कमाने वालों की शाखा, 40-45 साल की आयु तक के जो कमाने वाले हमारे स्वयंसेवक है उनकी शाखा,
तो समाज में ऐसा हमेशा घुलते मिलते रहना ये तो अपेक्षा है ही, लेकिन उसमें से करना क्या है? तो अपनी शाखा से, अपने शाखा के संपर्क में आए हुए हितैषियों में से, अपने शाखा के अनियमित और बिना दायित्व के स्वयंसेवकों में से, और समाज में कोई सज्जन व्यक्ति हमारे कहने पर किसी काम को करने के तैयार हो, तो ऐसे सज्जनों में से सब जो आवश्यक काम है उसके लिए कार्यकर्ता देने की जिम्मेवारी। संघ में प्रवासी कार्यकर्ता चाहिए, संघ में बिना नाम के छोटे छोटे काम करने वाले कार्यकर्ता चाहिए, संघ में सेवा विभाग के लिए कार्यकर्ता चाहिए, सेवा कार्यों के लिए कार्यकर्ता चाहिए, विविध संगठनों के लिए चाहिए, गतिविधियों के लिए चाहिए, और अनेक काम समाज में ऐसे होते हैं किसी मंदिर के रखरखाव पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। व्यवसायी शाखा को अपने गांव में या अपने बस्ती में इन सब कामों के लिए कार्यकर्ता अपने संपर्क में से देने चाहिए, स्वयंसेवक हितैषी सज्जन इनमें से। जागरण श्रेणी के कार्य विभागों का इस पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। और व्यवसायी तरुणों के लिए एक काम है कि उनका ये जो संपर्क होता है उसके आधार पर देश के हित में कुछ करना पड़ता है तो करने के लिए बस्ती के या गांव के लोगों को घर के बाहर लाने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही प्रौढ़ व्यवसायी शाखा है, वहां बुजुर्ग स्वयंसेवक रहते हैं, उनके बुजुर्ग आयु के कारण उनके शब्दों का मान रहता है, उनके आंखों की शर्म लोगों को रहती है। इसका लाभ लेकर समाज परिवर्तन के जो कार्य है और जो गतिविधियां हैं अपनी, अपने गांव में अपने बस्ती में उसका काम ठीक चले, शुरू हो, ठीक चले, कार्यकर्ता मिले, इस पर प्रौढ़ व्यवसायी शाखा का ध्यान होना चाहिए। ये काम विद्यार्थी शाखा नहीं कर सकती, ये काम तरुण व्यवसायी भी उतना नहीं कर सकते जितना प्रौढ़ व्यवसायी कर सकते। हम उपक्रम करेंगे उसमें से ये सारी बातें होनी चाहिए, हम कार्यक्रम करेंगे, उत्कृष्ट करेंगे, उसमें से हम तैयार होंगे, हमारी शाखा के स्वयंसेवकों को तैयार करेंगे। और हमारी शाखाएं इस प्रकार उपक्रम करते हुए अपने अपने आयु वर्ग के अनुसार समाज में एक वातावरण बनाने का, समाज के अच्छे कार्यों को नए कार्यकर्ता मिलने का काम करेगी, तो अपने देश में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। परिवर्तन के लिए सारा देश उत्सुक है, लेकिन परिवर्तन सत्ता से नहीं आता, परिवर्तन व्यवस्था से नहीं आता, परिवर्तन नेताओं से, एक व्यक्ति से नहीं आता, परिवर्तन तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर होता है। उसकी आदत बदलती है, उसकी दृष्टि बदलती है, वो संकल्प लेता है, बदली हुई दृष्टि और बदली हुई आदत के आधार पर वो अपने समाज के लिए विशिष्ट प्रकार से जीना और विशिष्ट प्रकार से जिए ऐसा वातावरण बना रहा, इसके लिए स्वयं बनकर सक्रिय हो जाता है। जो स्वयंसेवक करता है, रोज शाखा में आता है, तैयार होता है, संकल्प लेकर संघ की योजना के अनुसार काम करता है, वैसे समाज के भी लोग ऐसे संघ के स्वयंसेवकों को देखकर उनके साथ ऐसे उपक्रमों में घुल मिलकर अपने जीवन को भी उस प्रकार बदलते, अपनी दृष्टि को भी उस प्रकार बदलते हैं और ये संकल्प लेते कि समाज के काम में मैं इस प्रकार से सक्रिय रहूंगा। परिवर्तन इससे आता है और वो परिवर्तन आता है तो देश के भाग्य का परिवर्तन तब होता है। हम तो कहते ही हैं परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु, हम उसके लिए समर्थ हो रहे हैं। शाखा में समर्थ होने का सामूहिक संकल्प हमने लिया है, रोज शाखा लगाते हैं, शाखा में इस संकल्प का रोज उच्चार करते हैं प्रार्थना में। उस संकल्प में ही कहा है कि किस लिए कर रहे हैं, विजेत्री जन संवता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु। हमारी संगठित शक्ति के आधार पर धर्म की रक्षा करते हुए समाज को जोड़ने वाला, उन्नत करने वाला, समाज का
भौतिक और आध्यात्मिक विकास करने वाला जो धर्म है उसकी रक्षा करते हुए हम सब लोग उसके लिए समर्थ होने की साधना शाखा में करते हैं, ये हम रोज कहते हैं। तो ये साधना होनी चाहिए, पहली बात उतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए। और ये साधना जिसके लिए है ऐसा हमने कहा है, वो बात हम स्वयंसेवक है तो हमारे प्रतिज्ञित जो है उनको पता है, अपने प्रतिज्ञा में मेरा अपना व्यक्तिगत संकल्प है, सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर को साक्षी रखा है, सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर और अपने पूर्वजों की साख तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं अमुक अमुक कहता हूं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं। संघ का घटक हूं तो एक तरफ संघ गढ़ूंगा, संघ फैलाऊंगा, और संघ का घटक इसलिए बना हूं इसलिए सारे बस्ती में सारे समाज में मेरे आचरण से ऐसा वातावरण निर्माण करूंगा जिससे समाज का संरक्षण होगा और वही समाज अपने धर्म संस्कृति का संरक्षण करेगा। ये अपना व्यक्तिगत संकल्प भी है, ये अपना सामूहिक संकल्प भी है। और इसलिए हम लोगों को इस संकल्प शिविर में संकल्प क्या लेना चाहिए, चर्चा तो शिविर में हुई है, सारा उस मैंने बताया। शाखा उत्कृष्ट चले, शाखाओं में कार्यक्रम उत्कृष्ट हो, नियमित हो, उत्साह से आनंद से हो, तो संस्कारित स्वयंसेवक तैयार होंगे और ऐसे स्वयंसेवकों को काम में लगाते हुए शाखा अपने बस्ती में गांव में दोस्ती करे, सुख दुख में सहभागी हो, तरह तरह के उपक्रम करे जिससे इसी प्रकार के जीवन का, जीवन दृष्टि का और आचरण का संकल्प समाज का बने, उसका वातावरण बने, समाज में आचरण का परिवर्तन आ जाए। ये पूरा काम करने के लिए अपनी शाखा है, उस शाखा को समर्थ बनाने वाले हम कार्यकर्ता है, हम इसका चिंतन करें, यही विचार और उसके अनुरूप संकल्प लेकर इस शिविर से जाए, इतना एक निवेदन आज आपके सामने रखता हूं। सावधान, दंड लेकर के उत्तिष्ठ करना है। संघ उत्तिष्ठ, आरम्भ। ऊपर आ जाओ। संघ दक्ष, ध्वज प्रणाम। प्रवीर जी, सावधान, सूचना की ओर ध्यान देंगे। यहां से विश्राम के पश्चात हम सभी कार्यकर्ता इधर जो मेरे बाईं ओर मंच के बाईं ओर जो गेट बना हुआ है उसी द्वार से हम बाहर जाएं, इधर से नहीं जाना,
मेरे मंच के बाई ओर से जो गेट बना हुआ है उधर से ही हम अपने परिसर में जाएंगे। पहली पंक्ति के बाद सामूहिक एक बार गणगीत अपना गाएंगे। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना, देश है अपना। स्वयं अब हमारे